नमस्कार। कक्षा 12 के सिलेबस में अपने चल रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स अपना चैप्टर चल रहा है और डे 178 में है। इसमें हम आगे बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, वो है व्यतिकरण। व्यतिकरण में हमने कुछ बातें करी थी कि व्यतिकरण के लिए परिणामी आयाम की स्थिति क्या होगी, जो परिणामी तरंग बनेगी उसके लिए आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi सॉल्व किया था। तीव्रता परिणामी तीव्रता तरंग की तीव्रता क्या होगी, प्रकाश की तीव्रता वहां कितनी होगी उसके लिए हमने ज्ञात किया था आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू cos phi। फिर हमने उसमें बात की थी कि संपोषी व्यतिकरण की स्थिति होगी, यानी जब एक का शरण दूसरे के शरण पे मिलता है, वो आगे और बात करेंगे उसकी डिटेल से। तो जब कालांतर जो है वो फाई का मान 0, 2π, 4π या 2nπ कह सकते हैं, तो cos फाई का मान 1 होता है, उसी स्थिति में संपोषी व्यतिकरण की स्थिति होती है, वहां परिणामी मान क्या होता है उसके लिए हमने सोल्व किया था। परिणामी आयाम आर इज इक्वल टू ए प्लस बी निकाला था, परिणामी तीव्रता निकाली थी और फिर हमने विनाशी व्यतिकरण की स्थितियां ली थी, जिसके लिए cos phi का मान -1 होता है, यानी कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी पाई 3π 5π या 2n+1 × π की फॉर्म में लेते हैं। ये बातें हमने कर ली थी, पूरा सॉल्व कर लिया था। उसका एनर्जी कर्व इंपॉर्टेंट है, जो हमने बना लिया था कि कहां पर अधिकतम होती है तीव्रता और कहां न्यूनतम होती है, ये सारी बातें हमने उसमें कर ली थी। अब हम आगे बात करते हैं उसी से संबंधित, उसके रिजल्ट से संबंधित बात करेंगे, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक जैसा लिखा हुआ है प्रकाश की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात। अधिकतम तीव्रता भी हमने निकाल ली थी और न्यूनतम तीव्रता भी निकाल ली थी। अधिकतम कब आती है, जब फाई का मान 0 होता है, फाई का मान जब 0 होता है तो अधिकतम तीव्रता आती है, और फाई का मान जब 180 डिग्री होता है तो न्यूनतम तीव्रता आती है। अधिकतम तीव्रता क्या आती है, अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर आता है। कैसे आता है वो हम कर चुके हैं, आगे और बात कर लीजिए दोबारा। तो उनका अनुपात क्या होगा, तो अपने पास देखो आई मैक्सिमम हम सोल्व कर चुके हैं, क्या आया था अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू, ये हमारे पास लिखा हुआ है। पिछली क्लास में नहीं देखी है तो 177 देख लेना, उसमें पूरी डिटेल है। और दूसरा आई मिनिमम लेते हैं तो कोस 180 होता है, तो बीच में आ जाता है माइनस अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। अब क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात दे दिया जाता है, तो आगे की वैल्यू पूछ ली जाती है जो हम डेराइव करेंगे, और अगर आयाम की फॉर्म में दिया जाता है तो हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें I1 और I2 के मान दिए जाते हैं तो तीव्रता का अनुपात अधिकतम यहाँ से निकाल सकते हैं। तीन अलग अलग फॉर्म आएंगी, तीनों किसी भी फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया जा सकता है, जिस फॉर्म में दिया गया उसी से हम सोल्व कर लेंगे। जैसे सोल्व करते हैं, हम अनुपात निकालना है तो आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आई मिनिमम क्या आएगा, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो अगर आपको I1 और I2 के मान दे रखे हैं कि अधिकतम तीव्रता इतनी है और न्यूनतम तीव्रता इतनी है, तो इनका अनुपात क्या होगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरी बात, जब अधिकतम तीव्रता होती है तो आयाम क्या होता है, जब अधिकतम तीव्रता होती है तो इसके संगत आयाम कितना होता है, आयाम भी अधिकतम होता है, क्योंकि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इसलिए इस स्थिति में आयाम क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस स्थिति में आयाम क्या होगा, a प्लस बी का I1 I2 पहली और दूसरी तरंग की तीव्रता है, इनके संगत आयाम क्या है, a और b है, तो अधिकतम आयाम क्या लेते हैं, अधिकतम आयाम लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। न्यूनतम आयाम क्या लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम बराबर, यहां से इसको थोड़ा अलग फॉर्म में लिखें तो यहां से बी कॉमन ले लेते हैं, बी बाहर निकाल लें तो क्या आ गया, ये आ गया बी बाहर निकाल लें तो ये आ गया ए अपॉन बी प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन बी, यहां से भी बाहर निकाल लिया, जो बाहर निकालते हैं कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, तो ये बी से बी कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या आ गई, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन ए अपॉन बी माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, ए अपॉन बी क्या है, आयाम का अनुपात,
क्या है आयाम का अनुपात। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी दी जाती है, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं फिर उसको इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे हम। क्वेश्चन ये है कि व्यतिकरण में प्रयुक्त प्रकाश स्रोत स्रोतों से उत्पन्न तरंगों के आयामों का अनुपात पांच है। आयामों का अनुपात पांच है ठीक है, तब इन तरंगों की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन इसके अंदर दिया जाता है। अब देखो न तो ए का मान दे रखा है और न बी का मान देखें दे रखा है। पांच तो कब आ सकता है, कब कैसे भी आ सकता है पांच, तो ए का मान अगर मान लो ए का मान दस है बी का मान दो है तो दस बटे दो पांच आ गया ना, ए का मान बीस है बी का मान चार है तो बीस बटे चार कितना पांच आ गया ना, तो हम नहीं कह सकते कि ए क्या है बी क्या है, अपनी मर्जी से हम नहीं ले सकते, एक्स वाई भी नहीं मान सकते क्योंकि दो अलग अलग वैल्यूज हैं, एक वैल्यू से दो वैल्यू ज्ञात नहीं की जा सकती, एक समीकरण से दो वैल्यू ज्ञात नहीं की जा सकती, दो वैल्यू ज्ञात करने के लिए दो समीकरण चाहिए, तो यहाँ कोई भी मेथड नहीं है जिससे ए और बी के मान बताए जा सकते हो। लेकिन क्या पूछ गया यहाँ, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता और पार, तो यहाँ अपने पास ए और बी अलग अलग तो है नहीं तो इसके अंदर हम नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ सोल्यूशन हमें क्या क्या दे रखा है, इसके अंदर हमें दे रखा है दोनों के आयामों का अनुपात दे रहेगा पांच, तो हमें यूज क्या करना है देखा जाए तो यूज क्या करना है, ए अपॉन बी तो यूज करना है, ए अपॉन बी यूज करना है, तो ए अपॉन बी की जगह क्या रख देंगे पांच, अब देखो कितना सिंपल है एक ही लाइन में हो जाएगा, इसलिए कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह सब सोल्व हो जाते हैं इजी वे में। यहाँ पांच रखेंगे पांच प्लस एक का होल स्क्वायर और ये पांच माइनस हो गया, पांच प्लस एक करेंगे छह, छह का स्क्वायर छत्तीस, पांच माइनस एक करेंगे चार, चार का स्क्वायर चौबीस, छत्तीस बटे चौबीस, जो कटे वो कैंसिल आउट कर दो और जो रिजल्ट आएगा वो तीव्रता का अनुपात हो जाएगा। क्लियर, अब इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर देते हैं कि यहाँ यहाँ ए अपॉन बी को मान लेते हैं, आर मान लो, एस मान लो, पी मान लो, कुछ ही मान लो, मान लेते हैं आर क्या है, ये तरंगों के आयामों का अनुपात, तरंगों के आयामों का अनुपात, तो इसको अगर फॉर्मूला फॉर्म में कहा जाए तो हम ये लिख सकते हैं आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आई मिनिमम इज इक्वल टू आर प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस वन का होल स्क्वायर, ऐसा इसे लिखा जा सकता है। अगर कहें कि तीव्रताओं का अनुपात आयामों के अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए तो आप R लिख सकते हो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि R का मतलब ये होता है, क्लियर, या आप ये इक्वेशन लिख सकते हो पूरी, ये भी सही है ठीक है, एक्चुअल में तो यही है, ये तो एज्यूम किया गया कि A / B को क्या लिख दे अपने R लिखते हैं, इसको पूरे का एक साथ होल स्क्वायर भी आप लगा सकते हो ठीक है, आर प्लस वन अपॉन आर माइनस वन का एक साथ होल स्क्वायर भी कर दो, यानी यहाँ तो आ जाएगा छह, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ए अपॉन ए प्लस ए अपॉन बी का मान दे रखे हैं जो किसके बराबर है, आर के बराबर है, हमें पता है आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का जो मान है वो कितना होता है, वो आर प्लस वन अपॉन आर माइनस वन का पूरे का होल स्क्वायर कर दो एक साथ, तो आर का मान कितना है पांच प्लस एक और ये पांच माइनस एक का होल स्क्वायर कितना हो गया छह बटे चार का होल स्क्वायर, तो पहले तो स्क्वायर करके काटो, तो स्क्वायर करके काट दो वरना पहले भी कट रहा है देख लो अंदर कट रहा है, दो का भाग जा रहा है, ये तीन आ जाएगा ये दो आ जाएगा तो क्या आ जाएगा तीन बटे दो का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया नौ बटे चार,
तो इसका मतलब क्या हुआ, तीव्रता का अनुपात 9:4 है। अगर ऑप्शन में इस बार आएंगे क्वेश्चन ऑप्शन वाले, तो ऑप्शन में अगर दिया जाए तो ऐसे भी दिया जा सकता है पर ऐसे भी दिया जा सकता है, ये भी अनुपात ही होता है। अपॉन में लिखा रहता है, ए अपॉन बी लिखा है, तो इसका मतलब ए अनुपात बी है वो, ठीक है। 9/4 इसका मतलब 9/4 है, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो इस फॉरम में भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप लिख लें।